फिलहाल सिविल हॉस्पिटल तक जुड़ गए हाँ, और सिविल हॉस्पिटल की लाइव तस्वीर है वो आप देखने लग रहे हो। आज सुमित का जो 12वां दिन हो गया है, आज तक सुमित का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। जो गांव के आसपास के जो समाज के लोग हैं वो बैठे हैं, और आज मुख्यमंत्री को एचयूनिस्टी में आना भी था और आए भी, लेकिन यहाँ समाज के जो लोग बैठे हैं उनने काले झंडे दिखाने की कोशिश करी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने चारों ओर सिविल हॉस्पिटल के जो रास्ते रोक के हैं चारों साइड से बंद कर दिए गए थे, कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नहीं था। ये फिलहाल में हम बैठे हैं, जो आप देखने लग रहे हो जो लाइव तस्वीर है वह फिलहाल की जो सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने की तस्वीर है, और 12 दिन तक ये धरना जो है ज्यों का त्यों चलन ला रहा है, लेकिन प्रशासन के जो एक भी जोर रगड़ का काम भी निकलने लग रहा है, क्योंकि प्रशासन इतना लापरवाह हो गया, इतना जो रवैया है उसका इतना अपना लग रहा है, वो आपके हिसाब से काम कर ला रहा है, लेकिन एक सुमित के शव में 12 दिन से भी बाद में भी कोई न्याय नहीं मिलने लग रहा। एक जो उनकी पत्नी है उसका आरोप लगे थे और उसको आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। घरवालों का जो कहना है कि जो उसकी पत्नी है उसने उसका मर्डर किया है, लेकिन प्रशासन एक चीज बार बार कह रहा है कि एविडेंस लेके दो, सबूत लेके दो, सबूत भी दे दिए गए उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्या कारण है, इतना ढीला रवैया प्रशासन का क्यों है, उन सारी बातों पर विचार करेंगे और पूछेंगे। जो हमारे साथ में सविता मैडम बैठी है, इन हर बात का सवाल पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज सुमित ने 12 दिन हो गए और आज तक मोर्चरी में शव रखा हुआ है, क्यों नहीं प्रशासन इस पर अमल करने लग रहा, क्या कारण है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जब तक सुमित आके गवाही नहीं देगा तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी। सुमित तो बेचारा होगा, करता है भाई, मुर्दा ने आके गवाही देनी पड़ेगी, मुर्दा ने आके गवाही देनी पड़ेगी, जिद उस मुर्दा ने नो बतानी पड़ेगी प्रशासन ते। अगर मेरे जिद जाके प्रशासन नु कहेगा हाँ ये सच्चाई है, मतलब मुर्दे आऊंगे उठ के, मुर्दे आऊंगे जीतने सबूत दे लिए, जब तक कुछ नहीं बनया। एएसपी साहब तो इब भी कमे हैं कि मैंने यकीन को नहीं, एएसपी साहब इब मुर्दन तो बेचारा ने सुमित तो आगे गवाही देगा कुकर आपती कि मैं किस तरह मारा हूँ। मतलब क्या क्या एविडेंस जो आपने दिए है प्रशासन को, बार बार आपने बुलाने ला रहा है, कमेटी बुलाने ला रहे हैं, फिर भी कोई मतलब समाधान नहीं निकलना रहा चीज का? एक तो जी जिस उनके लड़ाई झगड़े के गवाह तो हम खुद ही हैं, मैं लड़के का पिताजी जी और कुलदीप जी, जी जो उनके झगड़े होते थे हम लोग जाते थे, वो टॉर्चर करती थी, जाते थे उससे गालियां तक भी देती थी, उसके मौके के गवाह तो हम खुद हैं। और जो मकान मालिक हैं, मकान मालकिन हैं, वहाँ के भी जो एक दो लोग हैं उन्होंने जो गवाहियाँ देती दी है उसके मुताबिक भी उस लड़की पे, देखो 302 तो हम क्या कहें, मगर 306 तो है ही है, टॉर्चर तो देखो किया ही गया है उसको, यहाँ तक के सबूत दे दिए, चैट यहाँ तक आ गई, लड़की अपने बुआ के लड़के से बात कर रही है, उसकी बुआ का लड़का कह रहा है कि जब मैं इसको न मार दूं तो, लड़की यहाँ तक कह रही ये अच्छा है, ये चैट तक हमने दे दिए। प्रशासन क्या करने लग रहा है? प्रशासन तो सोवा है, प्रशासन तो सोवा है, सवेरे बुला ले है जी, मैडम बना के उन्हें बिठाई रखे है, चाय पानी पियावे है, सारा दिन हम लोग चले जाते हैं, हमने पूरा दिन मुजरिम की तरह उड़े बैठना पड़ा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं। परसों हम गए थे, परसों भी हमें पूरा दिन ऐसे ही बिठाई रखा। परसों क्या बोले फिर? हमारे जाते ही उन 100 काम याद आ जाए जी, 100 केस याद आ जाए हैं, हम बैठे रहे वहाँ, हमारे तो आ गया कोई सिग्नेचर करने लगे जस्ट 10 मिनट, ठीक है जी बैठे रहे जस्ट 10 मिनट से, 1 घंटा भी हो गया, आधा घंटा भी हो गया, सिर्फ 10 मिनट और दे दो, ठीक है जी कोई बात नहीं, उसने भी हो गया। मतलब ऐसे करते 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 कल भी हमें पूरा दिन ऐसे ही परेशान रखा। कल जो नरेश है मृतक के जो पिताजी है, उनके चाचा जी की डेथ हो गई थी, वो बीमार थे, तो हम जैसे ही 2 घंटे तक हम बैठे रहे, हमने कहा
कि सर अभी तो हमें जाना होगा, क्योंकि जी आप समझ सकते हैं एक डेथ तो पहले हुई पड़ी है, मुर्दा यहाँ पड़ा है, उसके बावजूद एक और होगी, परिवार पे क्या बीतती होगी। गाँव में हमें भेजे, हम धरना भी संभालना हुआ है जी, अच्छा परिवार भी संभालना हुआ है, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद हम फिर शाम को गए हैं, शाम को जाने के बाद हमने कहा जो वहाँ पे थे अंकल जी, उनको बोला वहाँ जाइए आप, भाई कहिए पीड़ित परिवार मिलने आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमें खुद बुलाया था सुबह। एक बार आने के बाद हमने दोबारा मौका नहीं दिया कि वो दोबारा हमें मैसेज करे कि आप मिलने आओ। हमने यही चाहा कि हम प्रशासन के साथ सहयोग करें, पूरे सबूत उनको जुटा के दें। और हालांकि पुलिस ने कोई सबूत नहीं जुटाया अभी तक, सिर्फ भाई एक चीज और बिल्कुल सामने आई है, मतलब कि जो एविडेंस है या सबूत हैं वो है परिवार वाला मांगना ला रहे हैं, फिर प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन का क्या काम रह गया जब तक वो सबूत नहीं ला सकता। तो कोई भी मर्डर हो गया या कोई और कोई काम हो गया तो उसका सबूत ढूंढना काम बिल्कुल प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का बना है। प्रशासन क्यों नहीं ढूंढ रहा सबूत, कारण क्या है, बड़ा सवाल है भाई। अगर घरवाले में सबूत देने पड़ रहे हैं और दे भी दिए, सबूत देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। सारा दिन बिठाई रहा, परसों भी मैं ऐसे बैठ के आगे, तो मैं कलवारी आपको जैसे बात बता रही थी, तो जैसे ही एसपी साहब आए, हम जाते, हमने बोला कि आ जाओ, बोले जी कोई पार्टी बैठी है, मैं कहा चलो भाई कोई बात नहीं। आधा घंटा होते उन्होंने कहा कि वो तो मीटिंग में चले गए, वो शाम को आए हैं जी 7:30-8:15 बजे, हम तब तक वहीं बैठे थे। अब बताइए हम सारा दिन वहाँ बैठे रहेंगे। 3 दिन का टाइम दिया था प्रशासन ने, और 3 दिन के बाद आज फिर मेरे 4th दिन हो गया अनुवाता ने, तो आज तक भी कोई मतलब 10 मिनट आई नहीं है प्रशासन की। मैं तो मुका जी हमने टाइम चाहिए, टाइम कितना चाहिए वो तो उनने बेरा जी कद के करेंगे, बाकी लगता कौन जी एएसपी साहब इसमें कुछ करेंगे। एडीजीपी तो मिले हो तो उनका क्या कहना है? एडीजीपी की सुन लिए जी जी, जिस दिन हम पहली बार मुलाकात हुई थी उन्होंने हमें संतोषजनक जवाब दिया था, और यहाँ तक भी कहा था कि जब आप लोग चाहो मेरे से मुलाकात कर सकते हो, चाहे रात हो या दिन हो, मगर मैं आपको बता दूं हम 3 दिन से सीआईडी के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से एक मैसेज पहुंचा रहे कि हम एडीजी साहब से मिलना चाहते हैं। हमने सुबह भी फोन किया उनकी सिक्योरिटी जो संजय जी, उनको उन्होंने कहा कि सीएम के आने से पहले एडीजीपी साहब आपसे मिलेंगे, कोई मुलाकात नहीं हुई जी, ये झूठे दिलासे दे रहे हैं। एक तरफ तो मतलब किसी भी टाइम पे मिल लो कहो है, और दूसरी तरफ मतलब प्रशासन का रवैया इस तरह का है, यही है जी। आप अगर कुछ करोगे तो आपने देखा होगा अभी हमें घेर रखा था, आपको घेर के बिठा देंगे, क्योंकि ये लोग है ना, मुजरिम को तो अरेस्ट कर नहीं सकते मगर पीड़ित परिवार को परेशान जरूर कर सकते हैं। आज जो 3 दिन का टाइम हो लिया था, आज मुख्यमंत्री जी इशारा आने वाले थे, और आपने कोशिश करी काले झंडे दिखाने की या फिर वहाँ तक मिलने की, पहुँचने की वहाँ तक, तो इसमें मतलब प्रशासन ने चारों तरफ से सिविल हॉस्पिटल के जो गेट हैं वो बंद कर दिए थे, इसका मेन बड़ा कारण क्या है, क्यों बंद कर ला रहे हैं, क्यों नहीं मिलने दिया मुख्यमंत्री जी से? अगर उनसे मिल लेंगे तो कार्रवाई नहीं हो जाएगी, इनको कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, ये चाहते ही नहीं, प्रेशर है इनके ऊपर, कैसे मिलवाएंगे बताओ आप। और यहाँ नहीं, हमारे बंदे तो जहाँ सीएम साहब आ रहे थे वहाँ पार्क में भी थे, वहाँ भी नहीं मिलने दिया, 5-7 लोग तो थे उनको मिलवा देते सीएम साहब से, इन्हें मिलवाना ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन मिला हुआ है पीड़ित परिवार को, न्याय नहीं देना ठीक है, दोषियों के साथ प्रशासन मिल चुका है।